स्वेलेवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये रेनॉल्ट की है। अब आप सोच रहे होगे नॉर्मल सी कोई गाड़ी होगी, बट ऐसा नहीं है भाई। ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसलिए क्योंकि ये है तो एक छोटी हैचबैक, बट इसके जो लुक्स है ना, ये पूरे इसको एसयूवी वाले मिलते हैं। और ये इसका क्लाइमर वेरिएंट है जिसके अंदर 1 लीटर का इंजन आता है। 800 सीसी का इंजन तो वैसे डिसकंटिन्यू कर दिया रेनॉल्ट ने इस गाड़ी के अंदर। तो ये अपनी लुक्स के लिए फेमस है गाड़ी। मतलब ये देखो, मतलब पूरा जो एसयूवी वाला स्टांस मिलता है ना, इस फ्रेम से इसको देखा जाए ना, और किसी ने कभी ना देखी हो ये तो कोई बता ही नहीं सकता है कि ये इतनी छोटी गाड़ी है जिसको ये एसयूवी वाले लुक्स दिए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और पर्सनली इसका कलर देखना भाई, ये देखो क्या ही मस्त है। मैं लिटरली कलर्स का बहुत फ़ैन हूँ भाई। अगर किसी गाड़ी का कलर मुझे पसंद आता है ना, तो मैं बिल्कुल झिझकता नहीं हूँ उस चीज़ को मतलब बताने में कि अच्छा कलर है। तो ये बहुत प्यारा कलर लग रहा है इसका, पर्सनली आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। ये है क्लाइंबर, ये 1.0 है। और इसकी कीमत की बात करते हैं तो ये आपको 5.87 लाख रुपीज़ एक शोरूम पड़ती है डेली में। और ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी कर सकती है, और कितनी अच्छी डील इस पर आपको मिल जाती है चीज़ उस पर भी डिपेंड कर सकती है। तो ये मतलब छोटी सी एसयूवी टाइप गाड़ी आप इसे कह सकते हो। तो आपको क्या क्या चीज़ ऑफर कर देती है वो बता देते हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट में इसको DRS मिलती है, जो कि एक्चुअल DRS है। ये कोई ऐसा हेलोजन बल्ब वगैरह नहीं है। ये आप देख सकते हो पूरी स्ट्रिप है यहाँ पे DRL की। इसके नीचे जो ये बल्ब आप देख रहे हो ना, ये हेलोजन बेस मिलता है। ये इंडिकेटर है इसका, और ये यहाँ पे हेलोजन बेस हेडलैम्प का सेटअप है। डुअल बैरल्स हैं यहाँ पे भी। और ये देखना, ये छोटे छोटे जो ट्रीटमेंट दिए हुए हैं ना इसे, ये बनाते हैं इसे, मतलब देखने में तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी है। तो ये लुक्स हैं इसके जो इसको थोड़ा ज़्यादा मस्त बना देते हैं अपने सेगमेंट में, और लगती भी बहुत प्यारी है। और नीचे से पूरी ये देखना क्या लिप वगैरह दिए हुए हैं, ये वाइट टच दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके मिलती है मैटी ग्रिल, जिसमें बीच में रेनॉल्ट का लोगो है। और ये क्रोम की स्ट्रिप्स वगैरह मिल जाती हैं इसके ऊपर। और ये देखना, ये वेव देख रहे हो बोनट के ऊपर। ये चीज़ें मतलब सेगमेंट में, लुक्स में तो ये गाड़ी है बहुत प्यारी। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर शेयर करना। साइड में क्लैडिंग देखना, इस सेगमेंट की कौन सी गाड़ी के अंदर ऐसी क्लैडिंग आपने देखी है आप बताना कमेंट्स में, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। टायर सेक्शन की बात यहाँ पे करें तो सीएट के टायर्स ऑफर होते हैं। और टायर सेक्शन की बात करें तो 165/70R14 14 इंच के कुछ ऐसे आते हैं। स्टील व्हील्स हैं ये, अंदर आप देखोगे ना स्टील व्हील्स हैं, ऊपर व्हील कैप्स लगे हुए हैं। बट दूर से जब देखते हैं ना तो डुअल टोन ऐसे लगते हैं जैसे अलॉय लगे हुए हों, बट प्यारे हैं, अच्छे लगते हैं। गाड़ी के कलर के साथ भी बढ़िया मैच हो रहे हैं क्योंकि ग्लॉसी ब्लैक है। रेनॉल्ट का लोगो तक इसमें ग्लॉसी ब्लैक किया हुआ है। 3 नट वाला ये व्हील आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। और ये व्हाइट कलर के कॉन्ट्रास्टी ओआरियंस मिलते हैं यहाँ पे आपको, जिन पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट भी मिल जाती है कुछ इस तरीके से। क्लाइंबर लिखा हुआ मिलता है प्रॉपर तरीके से, और लिटरली मस्त लग रही है भाई। इस फ्रेम से भी गजब की लग रही है। साइड में ये इसको एक्चुअल क्लैडिंग दी हुई है, ये कोई टेपिंग वगैरह नहीं है, एक्चुअल क्लैडिंग्स दी हुई है ये अपने मैट ब्लैक डोर हैंडल्स हैं। रूफ रिल्स आ जाती हैं। ये देखो एंटीना नॉर्मल है, बट क्या ही ज़्यादा बड़ा एंटीना मिलता है। रूफ रिल्स के ऊपर ये वाइट टच दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, ORVMs। और ये यहाँ पे मिलते हैं। इसके ऊपर और भी आते हैं 1-2 वेरिएंट, जिसमें ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको और डुअल टोन रूफ आपके आ जाती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। और पीछे एक साइड यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स हैं, और आगे की साइड आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। ये मैंने आपको नहीं बताया तो आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। और अभी पीछे की साइड चलते हैं। पीछे की प्रोफाइल की बात करें तो पीछे से ऐसी दिखती है कुछ। तो पीछे टेल लैंप्स की बात करें, उससे पहले यहाँ पे देखो ये छोटा सा स्पॉइलर्स आपको देखने के लिए मिलता है। स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वाइपर नहीं आता है इसमें। और ये देखना टेल लैंप्स, ये पूरा LED पोर्शन यहाँ पे मिलता है आपको। ये अंदर बंद तो हैलोजन है, बट ये आपको मिल जाता है यहाँ पे बिल्कुल LED पोर्शन। यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो, इसी के बीच में यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट है, क्विड लिखा हुआ मिलेगा। और ये अपना फिजिकल चाबी डालने के लिए जगह मिल जाती है, रेनॉल्ट यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है। और बम्पर देखना भाई, ये देखो ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं। और ये देखो पूरा एकदम SUV की तरह कवर किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक। और ये नीचे अपनी गन मेटल स्ट्रिप अपना ये देखने के लिए मिलती है। इसकी प्लेट्स व्हाइट टच के साथ येलो कलर की नंबर प्लेट लाइट यहाँ पे ऑफर हो जाती है आपको। और यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलते हैं, 1, 2, 3। तो ये 3 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलते हैं। और बूट की बात करें तो एक सेकेंड, ये ऐसे खुल जाएगा बूट, अंदर से भी आप खोल सकते हो इसे। बट ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पार्सल ट्रे मिलती है, 279 लीटर्स की बूट कैपेसिटी, मतलब 279 लीटर्स की, ये कुछ इस तरीके की। और इसी के नीचे मिलता है अपना स्पेयर व्हील आई थिंक, एक सेकेंड, जीरा सीएट का टायर है। उसके टायर सेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो ये आपको 165/70R14 14 इंच का ये कुछ ऐसा मिलेगा स्टील व्हील। तो ये हैं जी सारी चीज़ें। और इसे बंद कर लेते हैं एक सेकेंड, निकाल लेते हैं चाबी और इसे तरीके से बंद कर देते हैं। तो हो चुकी है बंद। और अभी चलते हैं इसके इंटीरियर में।
इंटीरियर की बातचीत करते हैं। यहाँ पे भी चाबी डालने के लिए जगह आपको मिल जाती है और चाबी पे आपको सेंट्रल लॉक भी मिलती है। तो अभी चलते हैं अंदर और इसे कर लेते हैं बंद। ये देखो क्या ही मस्त लगता है, मतलब पूरा वाव फैक्टर है इसके अंदर। ये देखना सीट्स वगैरह बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्टी, कलर कुछ है सीट्स पे, कलर कुछ है तो मतलब बढ़िया मैच हो रहा है। लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पोर्टीनेस है इसके अंदर। डोर पैनल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके मिलता है पूरा ब्लैक डोर पैनल, ये वाइट स्ट्रिप मिलती है यहाँ पे, क्रोम का डोर लेवर है, यहाँ पर अपना ग्रैब हैंडल है, बोतल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाती है। सीट जो है फोर वे मैनुअल एडजस्टेड आपको मिलेगी। यहाँ पे अपना फ्यूल लिड खोलने के लिए लेवर है, अपना जो अपना बूट आप यहाँ से भी खोल सकते हो। ये अपना बोनट खोलने के लिए लेवर यहाँ पे मिल जाता है और ये तीन पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच और ये अपने लाइट के कंट्रोल, ये अपने ओआर यूनिट्स के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर से क्या क्या मिलता है इसमें। तो भाई ये सिर्फ बाहर से ही ऐसा लगती है छोटी सी, अंदर से तो काफी स्पेशियस फील होती है लिटरली। और यहाँ से तो लगता ही नहीं है भाई आप किसी एक लीटर के इंजन वाली गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। क्या ही प्रीमियम लगती है, देखना ग्लॉसी ट्रीटमेंट्स, वाइट टच वगैरह सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। और अभी ये ऑन करके दिखाता हूँ आपको और जब इन चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये इसकी प्राइमरी की है, ये आप देख के भी पता लगा सकते हो, इसके ऊपर क्रोम का वर्क है थोड़ा सा। ये नॉर्मल सी की मिलती है, इस पे कंट्रोल्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं, इस पे सेंट्रल लॉक मिल जाती है, मतलब कि डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी ये ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से डलेगी चाबी और इसे आप ऐसे एक बार ऑन करोगे, एक बार ही करके दिखाता हूँ। तो स्टेयरिंग व्हील जो अपना अनलॉक हो जाता है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और जब आप इसे सेकंड टाइम ऑन कर दोगे ना, ये देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन हो जाता है, क्लस्टर वगैरह सारी चीज़ें। और इसके अंदर आपको TPMS भी मिल जाता है, मतलब कि टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम भी यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है। बहुत शानदार, मतलब कि अब थोड़ी अपडेट भी हो चुकी है ये, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत शानदार मिलती हैं इसमें इस बार। और ये सामने से सिंपल सा है, आपको ईजी टू यूज़ लगेगा, बहुत जल्दी आपको आदत भी पड़ जाएगी। और ऐसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर जो समझ में ना आए, सारी चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से दी हुई हैं, डिजिटल है वैसे, ठीक है। ये RPM वगैरह है, टेम्परेचर और फ्यूल यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये अपने वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल दिए हुए हैं। स्टेयरिंग वगैरह की बातचीत करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है, एक नॉर्मल सा स्टेयरिंग व्हील, नॉर्मल मतलब कि इसके ऊपर ना लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है, बाकी इस पे कंट्रोल्स मिलते हैं आपको, ये कुछ इस तरीके के। ये BC बार ऐड हुए हैं, रेनॉल्ट का लोगो है, ग्लॉसी ट्रिम्स वगैरह दी हुई हैं। एडजस्टमेंट की बात करें तो ये शायद एडजस्ट नहीं होगा, जी हाँ, तो ये यहीं पे फिक्स्ड है। बाकी इन हैंड फील की बात करें तो भाई मज़ेदार है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगता नहीं है बिल्कुल भी कि भाई ऐसे एक छोटी गाड़ी, एक शहर के मतलब की गाड़ी को मैं चला रहा हूँ इस तरीके से। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप शहर के मतलब से गाड़ी देख रहे हो ना, छोटी सी बट लुक्स आपको चाहिए प्यारी, तो ये गाड़ी आप जब भी प्लान कर सकते हो, बिल्कुल भेजा, बहुत ही प्यारी लुक्स है यार। तो ये है जी डैशबोर्ड, एक साइड दिखाता हूँ ऊपर की साइड। यहाँ देखोगे तो एयरबैग की बैजिंग है, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट दी हुई है, यहाँ पे येलो लाइट मिलती है, मैनुअल डिमिंग RPM आपको मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलता है। बाकी मटेरियल वाइज चीज़ें सॉफ्ट फील होंगी आपको। और ये देखो डैशबोर्ड का व्यू, मतलब ब्लैक है सारी चीज़ें। और ये मेरी एक फेवरेट चीज़ में से एक है कि चीज़ें सारी ब्लैक मिलें, क्योंकि एक तो मेंटेन करने में ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, दूसरा लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं ना तो बोर नहीं होते हैं जल्दी से, और तीसरा फिर ये भी है थोड़ा स्पोर्टी भी लगता है ब्लैक इंटीरियर। और इसमें तो ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक और ये वाइट स्ट्रिप्स दी हुई हैं, सारा कुछ ब्लैक है। ये ग्लॉसी ट्रिम्स वगैरह हैं AC वेंट्स के चारों तरफ, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, AC के कंट्रोल्स हैं और ये सेंट्रल लॉकिंग है, देखो यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हो आप। ये अपनी हैजार्ड लाइट की बटन है, ये AC कंट्रोल्स हैं, क्रोम रिंग्स वगैरह हैं। नीचे एक साइड यहाँ पे 12 का चार्जिंग सॉकेट है, ऑक्स का पोर्ट है, USB पोर्ट है, स्पेस वगैरह आपको मिल जाती है। और यहाँ पे मिलता है 5-speed का मैनुअल गियर लिवर। अब ये देखो ये लग रहा मस्त, मतलब कि इसके ऊपर आप देखोगे ना तो ये वाइट जो ट्रीटमेंट किया हुआ है और ये हाईलाइट किए हुए नंबर, ये बढ़िया लग रहे हैं। पूरी ये नीचे लेदर रैपिंग वगैरह दी हुई है गियर नॉब को, यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल जाती है, हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ है और यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। सीट्स आप देख सकते हो फैब्रिक की मिलती हैं ये, बट शानदार है, गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो कम्फर्टेबल भी काफ़ी हैं। यहाँ पे एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं और ये देखना भाई नेक्स्ट लेवल डीप है, मतलब कि जो रियल SUVs होती हैं उनके अंदर तक इतनी स्पेस नहीं आती है, और इसको तो जस्ट लुक्स मिलती हैं SUV जैसी है, तो भाई छोटी सी हैचबैक ही है, तो ये कमाल है, बहुत ही गजब की यहाँ पे स्पेस आपको ऑफर हो जाती है।
और ये है सारी चीजें। और इधर तो ग्लॉसी ट्रीटमेंट्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी एक क्रोम रिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। और अब ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, और अभी चलते हैं पीछे। पीछे की स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि परफेक्ट गाड़ी है तो परफेक्ट होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए और फील भी होना चाहिए वो। तो अभी पीछे की स्पेस भी दिखाते हैं आपको कि पीछे कितनी स्पेस मिलती है। ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट पहले, और अभी आपको इसका पीछे का डोर पैनल वगैरह भी चेकआउट कराता हूँ। तो पीछे भी सारी चीज़ सेम है, यहाँ पे अपना डोर लेवर है क्रोम का, ये लॉक, और यहाँ पे भाई पावर विंडो मिल जाती है आपको डोर पैनल पे। ऐसा नहीं है कि आपको बीच से कहीं से एक्सेस करनी पड़ेगी, ये आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये मैंने लगाया दरवाज़ा, और ये देखना भाई, ये आप इसका एंगल देख के भी समझ सकते हो कि मैं इसे बिल्कुल अपनी जो कंफर्ट पोजीशन है ना, बिल्कुल ही कंफर्ट की भाई, मुझे लेट के भी चलानी पड़े तो उस पे चलाऊंगा, ये फिलहाल उस पोजीशन पे है। फिर मेरे पास आप स्पेस देख सकते हो, पैर आराम से फैला लिए नीचे, थाई रूम में कोई ऐसा इशू नहीं है, आराम से बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 5'9" मेरी हाइट है, तो उसके हिसाब से आप मेरे पास ये हेड रूम भी देख सकते हो कितना है फिलहाल। और यहाँ पे एडजस्टेड हेडरेस्ट नहीं है, ये सीट्स के अंदर इंटीग्रेटेड ना, चारों के चारों सीट बेल्ट मिल जाती हैं पीछे भी। और यहाँ पे दो ग्रैब हैंडल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मिलता है आपको। और ये चीज़ मस्त लगी यार, पीछे पावर विंडोज़ मिल जाती हैं आपको बढ़िया एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आगे से करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बढ़िया लगी। तो ये है भाई, और फील भी काफ़ी अच्छी है इनकी, किट 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 कर रही है बढ़िया। यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह नहीं है, और हम तो देखना भाई मिनिमल सा ही है, तीन बंदे तो वैसे बैठ जाएंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं है शहर के मतलब से। फिर हम कह सकते हैं कि गाड़ी बढ़िया है ये कुल मिला के अभी तक तो। और अब इसका इंजन कंपार्टमेंट भी चेकआउट करा देते हैं आपको, कि इंजन कंपार्टमेंट कैसा मिलता है और कितनी पावर फिगर से आपको डेवलप करके देती है। तो यहाँ से कुछ रह जाए तो पूछ लेना कमेंट्स में। तो अभी इंजन कंपार्टमेंट की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेशन पैडिंग मिलती है जो कि कैबिन नॉइस कम करने के लिए काम आती है। दूसरा यहाँ पे मिलता है 999cc का पेट्रोल इंजन जो कि 67 bhp डेवलप करता है, 91 Nm का टॉर्क जो है डेवलप करता है ये, 28 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है जिससे 22 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो ये है 1 L का इंजन है इसके अंदर, और ये है पूरा सीन यहाँ से। और अभी इसे बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं सेकंड में। तो ये थे आपके सामने रेनॉल्ट क्लाइंबर, तो कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट्स में, और इस गाड़ी की लुक्स आपको कैसी लगी वो जरूर बताना कमेंट्स में। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।